नए महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को काफी उम्मीदें रहती है और अब मार्च के महीने से भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों के साथ ही महीने की शुरुआत में सरकार की ओर से कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस बार भी 2000 रुपए का नोट, LPG की कीमत और ट्रेनों के टाइम टेबल में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। तो 1 मार्च से बदलने वाले हैं कौन कौन से नियम, आपको बताते हैं। 1 मार्च से इंडियन बैंक के ATM से ग्राहकों को 2000 रुपए का नोट नहीं मिलेगा। इसके लिए ग्राहकों को बैंक की ब्रांच में जाना होगा। बैंक ने अपने इस निर्णय के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि ग्राहक ATM से 2000 रुपए का नोट निकालने के बाद ब्रांच में आकर उसका फुटकर लेते हैं, इसे रोकने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं तेल वितरक कंपनियों की ओर से हर महीने की शुरुआत में LPG के दामों में बदलाव किया जाता है। हालांकि पिछले बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मौजूदा समय में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपए है, वहीं कोलकाता में 1079 रुपए, वहीं मुंबई में 1092 रुपए और चेन्नई की बात करें तो 1068 रुपए है। वहीं वीडियो में आगे बात करें तो मार्च में होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने 1 मार्च से कई स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया। इससे महानगरों में काम करने वाले लोगों को घर जाने में काफी सुविधा होगी। आपको बता दें कि रेलवे ने अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई समेत कई रूटों के लिए चलेगी। इसमें कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन 1 मार्च 2023 से होगा, यानी कि त्योहारी सीजन में लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हालांकि देखना होगा कि LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है या नहीं। अगर बदलाव हुआ और दाम बढ़े तो 1 मार्च से लोगों को महंगाई का झटका लगेगा।